कमलनाथ सरकार के 1 साल पूरा होने पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, सरकार को 1 साल पूरा हो गया। वचन पत्र में जो बातें कही गई वो एक एक करके सीएम कमलनाथ ने पूरी की। सीएम कमलनाथ ने कभी कोई घोषणा नहीं की, केवल कार्य किया। साथ ही बोला कि जनता का विश्वास कमलनाथ सरकार पर है। वहीं कर्ज माफी का दूसरा फेज कल से शुरू होने की बात कही। कहा कि दूसरे चरण में 12 लाख किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में चारों तरफ माफिया को लेकर कार्रवाई जारी है और कहा कि कमलनाथ सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। जो वचन पत्र में जो बातें गई थी वो एक एक करके उनने पूरी की है। कभी कोई घोषणा नहीं की, केवल सीधे सीधे उन्होंने जो किया था वो किया, चाहे वो किसानों की ऋण माफी का मामला हो, 300 रुपये से 600 रुपये वृद्धा पेंशन की बात हो, उन सबका विश्वास कमलनाथ जी में, उनकी सरकार में बना है। दूसरा फेज ऋण माफी का कल से शुरू होगा, जिसमें 12 लाख किसानों के अकाउंटों में पैसे आएंगे और इस बात को हम पूरा करेंगे। माफिया पर पूरे मध्य प्रदेश में, जैसा उन्होंने कहा था मीटिंग लेकर, चारों तरफ कार्रवाई हो रही है, माफिया राज समाप्त होगा। और कल भी भोपाल में मिलावट खोरों के खिलाफ एक आम जनता सड़कों पर आई, जिसमें 5-7 हज़ार लोग थे, मैं और स्वास्थ्य मंत्री उसमें मौजूद थे। तो इस तरह से एक हर क्षेत्र में हर जगह कर्मचारियों के लिए कर्मचारी आयोग बना दिया है, कोई वर्ग नहीं बच रहा है जिसके लिए काम आदरणीय कमलनाथ जी ने 1 साल में जो बातें कही गई थी उसको पूरा नहीं किया गया हो।